इतने प्यारे बहन भाई है ना, मैं उन सबके लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ कि वो जहाँ रहें खुश और आबाद रहें, हमेशा अपनी फैमिली में हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए आज सुबह से इतनी ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी ना इस साइड से देखिए कितने घने बादल बने हुए हैं और अभी लगता है गज तो रहे हैं, पता नहीं बारिश आएगी या नहीं आएगी। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे होंगी? अल्लाह के फजल करम से ठीक हूं। आज जा रहे हैं खुश हैं बादर अपनी फैमिली में, हंसते मुस्कुराते रहे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। जल्दी कर रही है, कहती है बारिश आ जाएगी, गर्मी बहुत ज्यादा थी सच्ची में, बंद हो जाएगा ना सच्ची में। इतनी काली कटाव बन के शुएब और सब देखो जानवर गए हुए हैं और जानवर ज्यादा उधर बचित गए हुए हैं, वो ना डर जाएगा, थोड़ी सी गाज है डर जाता है। हाँ, इतनी अभी रिश्ता को कहेगा दे मेरे को छुट्टी और जाए हम घर। यहाँ जो कपास बिदाई हुई थी ना, उन्होंने ना ये जानवर की कपास थी नहीं, खुद हल्की थी, मतलब वो इतनी ज्यादा नहीं हुई थी ना, बेच दी, चिप भर जाते थे ना चिपड़ों की वल्ली। तो इधर देखिए ये हल परे हैं, हल हल कहते हैं इसको। हाँ ये हल है, हम साइयों के हैं इधर वो परे हैं। ओए तुसी बैठे हो जिन लोग कर ले, बैठे तो हैं, अभी शुरू कर दे फिर बारिश आ जाए। फिर अभी बारिश क्यों है नहीं, आंधी तो है नहीं, बारिश होगी तो बारिश में मजा आएगा। कहते चलते हैं बनाते हैं, जल्दी जल्दी तो फिर देखा जाएगा। फातिमा है नहीं, सारा सामान इकट्ठा कर लेगी या ये कैमरा उठाएगी, मैं कर लूंगी। चलो अंदर बनाना शुरू करें, चलो चलो बनाते हैं। वैसे भी लेट हो जाएगी, हमारी लाइट थोड़ी है कोई, फिर ये भी तो सोचो ना, लाइट ही तो नहीं है। काश चाहे बारिश जल्दी आ जाए, इतनी गर्मी है सच्ची में। वाह कितना प्यारा सीन है, अंदर बैठ के बना रहे हो सामान बाहर इकट्ठा करते हैं। तो आंधी लेकिन फातिमा की वजह से आज हमने नहीं बनाई आलू गोभी, क्योंकि ये फातिमा ने कहा कि देखिए आलू गोभी भी आई हुई है, अरबी भी पड़ी थी, मगर ये फातिमा कह रही थी कि बस चावल बनाने हैं, बिरयानी। मौसम अच्छा है तो गर्मी में बंद, मैंने आधा घंटा हो गया इसको भिगो के रखे हैं, फिर तो आज गल हो गई। हाँ चलो काट लो सारा सामान, बस फिर बाहर तड़का लगा। मैं आग जलाती हूँ, तड़का लगेगा और एक ही तड़का लगेगा इनको, मसाले को ऊपर से भी तड़का एक ही लगेगा, ऊपर से एक तड़का लगेगा बारिश का और हमारा इधर से बिरयानी को एक तड़का लगेगा। लकड़ी वैसे है नहीं, लकड़ी खत्म हो गई है, थापियों पर गुजारा कर रहे हैं ना कुछ, हमसे कैसे हम बनाते हैं, इसीलिए चलो हम लोगों ने अभी तक छुपा के रखा हुआ है। इंशाल्लाह कल अगर हम लोगों ने वीडियो बनाई तो वो आप लोगों को सरप्राइज बताएंगे कि क्या है। हमारे लिए तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, खुशी का ऐसे समझे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को कल बताएंगे, आज वाली वीडियो में तो नहीं बता सकते, कल वाली वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, फिर आप लोगों को बताएंगे कि हमारा सरप्राइज कौन सा है। मुझे तो नहीं पता, तेरे को पता है? मैं पता है उस सरप्राइज का। हाँ सबको, घर वालों को तो पता है ना। सही हो गया, मैं क्या आग बारिश जाए, मम्मी कह रही हो कि पता नहीं कौन सा सन हमने सरप्राइज बनाया हुआ है। नहीं ऐसे घर जो घर है, इसलिए तो कहती हूँ ना ऊपर से छपरा बनवा लें, चलो थोड़ी थोड़ी बारिश का तो खतरा नहीं। हाँ मतलब इधर इधर से नहीं आती बारिश, हाँ, खाना सही बन जाता है। बस सोच रही हूँ अब ये दो तीन दिन देखते हैं, एक आध महीना देख कर छपरा बनवाते हैं। ये जो गरज रहे हैं ये बरसेंगे नहीं, क्या सुना है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। जब बरसना शुरू हो जाएंगे पता चलेगा। चलो आप लोग जल्दी जल्दी सामान बाहर निकालो, बस एक ऊपर से ना एक गाडर आएगा, थोड़ी सी टैन आएगी, चार पाई कुछ भी नहीं है। दादा जान को देखो, मैंने खुद नहीं निकाली, मैंने कहा फिर मुझे अंदर रखनी पड़ेगी। सही किया, इसीलिए तो मैंने नहीं निकाली ना। तो बैरी वर्ड सब देख सकते हैं, माशाल्लाह से बारिश जो है ना पहुंच आई है। चल तो बारिश में देखे बिरयानी बना रही है, पता नहीं आज हमारी बनती है कि नहीं बनती। नहीं मैंने मेरे डाल दी है, बारिश आ गई है ना, रेत तो नहीं आ रही ना, वैसे मजा आ रहा है। मैंने ऊपर से ना इसको नीचे से आग जल रही है,
काश हमारा छपरा होता हमको ये मुसीबत ना थी। काश, चलो बना लेंगे। वाह इतनी ज्यादा बारिश आ रही है। बारिश में हमारी ये बिरयानी भी तैयार हो गई है, बारिश भी थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो वैसे तो हम ना कल वाले दिन वापस आ गए थे, इधर से जब हम गए थे ना तो हमने भी यही कहा था कि डेट फिक्स करके आएंगे। तो जब हम उधर दो दिन रहे तो सैर के लिए चले गए थे पहले दिन ना, दूसरे दिन फिर उधर से शाम को वापस आए तो फिर उन्होंने कहा कि कल शाम को जाएंगे। हमने कहा नहीं, हम तो फिर सुबह सुबह चले जाएंगे घर, क्योंकि अब बारिश आ जाती है, घर में सारा सामान पड़ा होता है, कोई रखे या ना रखे, इस वजह से फिर मैंने कहा मैंने तो घर जाना है। फिर अम्मी अबू ने कहा चलो कोई बात नहीं, बड़े जाएंगे डेट फिक्स कर लेंगे। वैसे हम भी जाते अपना व्लॉग बनाते जैसे उन्होंने बनाया, तो मैंने कहा चलो मेहंदी वाले दिन में हम आ जाएंगे, चलो इस बार तो हम आप डेट फिक्स कर रहे हैं। अभी ना मैंने फ़ोन पे बात की है, मैंने कहा मेहंदी वाले दिन भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है, हमको कहना कि बाद में मेहंदी है, पहले फिर आप मेहंदी वाला वो रस्म पूरी कर लेना। कहती अम्मी नहीं अच्छा नहीं क्या हमारे साथ इन लोगों ने। हम जाते तो मजा आता ना यार, हम दो दिन थे, उन्होंने नहीं, उनकी पता नहीं कोई परेशानी चल रही थी इसलिए नहीं रखी भी। असल में बारिश थी, पहले बारिश आ गई थी, फिर शहर को चले गए ना, तीसरे दिन हमें घर आना, चार बारिश आ रही है, अम्मी तो बारिश में बैठी है, मोबाइल देखो ये वो खराब हो जाता, मैंने दस्ती झोपड़ी बनाई हुई है, बन गए बन गए हैं, बस देखो पानी खत्म हो गया, बस दम पे आ गए हैं। ठीक है ओके कर दम, इधर बाहर तो आग खत्म हो जाएगी, अंदर रखते हैं। हाँ दिखाना, वाओ बारिश में बिरयानी मजा आ जाएगा आज तो। मैं तो वैसे भी ठीक रही हूँ, आप भी जानते हैं। देखो इधर से बारिश पानी जा रहा है, तो अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बारिश भी रुक गई है और माशाल्लाह से हमारे चावल भी तैयार हो गए हैं। फातिमा खाना शुरू कर दिया है इसने, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ। बिल्लियाँ आ गई हैं, उनको भी भूख लगी हुई है। ये भी रोजाना आ जाते हैं, ये देखो हमारा बारिश साथ खाना खाते हैं। ना भूख ज्यादा लग रही है, ये थोड़े गर्म है ना, मैं अभी इसको फिल्टा दूंगी, थोड़े ठंडे हो जाए। ओए गिर जाओगी इसे देख रही हो, ये वाला नहीं जो दूसरा वाला सफेद है ना वो बहुत प्यारा है। चलो प्लेट ले आओ, निकालो फिर सब बैठ के खाते हैं खाना माशाल्लाह से। चेक करो बारिश भी रुक गई और चावल भी तैयार हो। हाँ अंधेरा भी तो हो गया है। ये तो है ना, फिर अंधेरे में कैसे बनाते हैं। सीन देखो बाहर का, वाह कितना प्यारा मजे का सीन है आज। कहती है मेरे को कोई चीज डाल दी है शायद, आधे थोड़े से नीचे गिरे, अब चली गई है।